दक्षिणेश्वर के महान साधक श्री रामकृष्ण परमहंस रामप्रसाद और कमलाकांत के श्यामा संगीत को सुनकर तन्मय हो जाते थे। वे स्वयं भी प्राण विभोर होकर इन गीतों को गाते थे। इन गीतों से उनके हृदय में मातृ प्रेम का भाव समुद्र उमड़ने लगता था। मां भवतारिणी के सामने वे एक दिन रो रो कर कहने लगे, मां तुमने रामप्रसाद और कमलाकांत को दर्शन दिया है, मुझे क्यों नहीं दोगी। साधक कमलाकांत। दिन ढल चला था, शाम होने को आई थी। भट्टाचार्य महाशय को जल्द ही चान्ना गांव पहुंचना था। वे अपने एक शिष्य के घर से लौट रहे थे। वहां का काम पूरा करने में आज थोड़ी देर हो गई थी। उनके सामने उड़गांव का विस्तृत तट पड़ा था, जिससे होकर उनका रास्ता जाता था। डाकुओं का भय जो था, वे समय पाते ही निरीह पथिकों का सर्वस्व लूट लेते थे, उनकी हत्या करने से भी नहीं चूकते थे। सांझ की अंधियाली घिरती आ रही थी, इसीलिए भट्टाचार्य महाशय तेजी से कदम बढ़ाने लगे। सामने के रूखे कंकरीले प्रांतर में सन्नाटा साय साय कर रहा था। पेड़ पौधों का निशान नहीं था, केवल दूर दिशाओं में एक दो ताड़ के पेड़ काले दैत्य की तरह अपना सर उठाए खड़े थे। अचानक ही पास के तट के ढलवान पर से कुछ डरावनी आवाज आई, अरे कौन है। बेचारे भयभीत ब्राह्मण रुक गए। देखते देखते लाठियों से लैस डाकुओं के दल ने उन्हें घेर लिया। डाकू सरदार ने कर्कश स्वर में कहा, अरे ब्राह्मण तेरे पास जो कुछ है जल्दी सामने रख दे। ब्राह्मण के हाथ में एक पोटली थी, जिसमें शिष्य के घर से प्राप्त कुछ सामान्य वस्तुएं बंधी थीं। पल्ले में कुछ रुपए पैसे भी थे। भट्टाचार्य महाशय ने वो सब डाकुओं के सामने रख दिया और बोले, लो बाबा जो कुछ था सब तुम्हारे आगे है, अब और नहीं है मेरे पास, मैं नितांत दरिद्र ब्राह्मण हूं। रुपए और सामग्री समेटकर डाकू सरदार ने बांधते हुए कर्कश स्वर में कहा, सो तो ठीक है, लेकिन ये तो बता तू जाएगा कहां और तेरा नाम क्या है। पासी के चान्ना गांव मुझे जाना है, वही मेरा घर है। मेरा नाम कमलाकांत देव शर्मा है। अरे तुमने तो हम लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। चान्ना गांव यहां से मात्र 2-3 कोस पर है, तुम्हें तो ऐसा छोड़ा नहीं जा सकता। घर लौटकर तुम हल्ला मचाओगे और कौन कह सकता है कि हम लोगों में से एक दो आदमियों को तुमने पहचान नहीं लिया है। इसलिए ब्राह्मण देवता दोष नहीं देना, हम लोग तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग विपत्ति में पड़ेंगे। तुमको मारकर फेंक देने के सिवा हम लोगों के पास दूसरा कोई चारा नहीं है। कमलाकांत ने प्रशांत स्वर से उत्तर दिया, ठीक है तुम लोगों की जो इच्छा, लेकिन मरने से पहले मुझे मां का नाम गान कर लेने दो, इसमें तो तुम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तुम गान गालो, इसके बाद हम लोग भी अपना काम समाप्त करते चलेंगे। कमलाकांत जमीन पर आसन बिछाकर बैठ गए। लाठी बल्लभधारी डाकू भी उन्हें घेर कर बैठ गए। कमलाकांत जोर जोर से अब श्यामा संगीत गाने लगे, मां श्यामा मुझे और क्या चाहिए, सिर्फ तुम्हारे दोनों राग रंजित चरण हो तो, वो भी तो सुनता हूं त्रिपुरानी ने अपना लिए, इसलिए मेरा साहस टूट रहा है। जाति मित्र पुत्र पत्नी सब तो सुख के ही साथी हैं, विपत्ति काल में कोई साथ नहीं। कहां गया मेरा घर बार और कहां यह उड़गांव का तट। अरे मेरी मां तुम ही अपने गुणपाश में मुझे बांध कर रखो और अपने करुणापूर्ण नेत्रों से मुझे देखो। मां यदि जप करने से तुम्हें ना पा सकूं तो ये सब क्या भूतों की कहानी मात्र है। बेचारा कमलाकांत अपनी मां से मन की व्यथा कथा कहने के अलावा और क्या करे। उसकी जप की माला झोली गुदड़ी सब तो पूजा घर में ही खूंटी पर लटकी रह गई है। कैसा हृदय विदारक संगीत था ये। मां से बिछड़े हुए शिशु की व्याकुल रुलाई इसमें फूट पड़ती थी। कमलाकांत हाथ जोड़कर गाते जाते थे और आंखों से अविरल आंसू बहे जा रहे थे। वे मां श्यामा के दिव्य भाव से आविष्ट थे। मुखमंडल से एक दिव्य ज्योति छिटक रही थी। डाकूदल अपलक अवाक नेत्रों से उनको देख रहा था। सबके सब मंत्रमुग्ध थे।
कमलाकांत के आवेदन पूर्ण संगीत और भावदीप्त व्यक्तित्व से एक मोहमय इंद्रजाल की सृष्टि हो रही थी। उनकी आकुल रुलाई डाकुओं के अंतर में प्रतिध्वनित हो रही थी। भावावेग में उनकी आंखें भी अश्रुपूर्ण थीं। गान समाप्त होने पर डाकुदल कमलाकांत के चरणों पर गिर पड़ा। रोते रोते उनका सरदार बोला, ठाकुर हम लोग घोर पापी हैं, हम लोगों को अपने चरणों का आश्रय दो, हमारी रक्षा करो। हम लोगों ने मां की असीम करुणा से तुम्हारा मुखमंडल प्रकाशित होते देखा है, हम लोगों पर कृपा करो ठाकुर। डाकुओं ने फिर एक साथ जय काली का उद्घोष किया। उनके एक स्वर से उड़गांव का तट गूंज उठा। कमलाकांत की कृपा से डाकुओं का वह दल आगे चलकर भक्त और साधक बन गया। उड़गांव की इस घटना ने न केवल कुछ डाकुओं का जीवन रूपांतरित कर दिया, बल्कि उस दिन से साधक कमलाकांत के जीवन का भी एक नया अध्याय आरंभ हुआ। एक शक्तिमान तंत्र साधक के रूप में चारों ओर उनकी प्रसिद्धि फैल गई। उन्होंने बंगाल के जनजीवन में, विशेषकर साधक समुदाय में, मातृ साधना की एक प्राणवंत्र धारा प्रवाहित कर दी। कुशल गायक, कवि और शक्तिधर सिद्ध साधक के रूप में वे वहां की लोक चेतना में विशेष रूप से प्रतिष्ठित हो गए। कमलाकांत तंत्र मंत्र के साधक थे, शक्ति स्वरूपणी आध्याशक्ति मां काली की साधना उनके जीवन का व्रत था और व्रत में उन्हें सिद्धि लाभ भी हुआ। उनका व्यक्तित्व, उनकी साधना और संगीत ने अनेक मुमुक्षु भक्तों को भाव उद्दीप्त किया। उनका श्यामा संगीत घर घर में लोग गाने लगे। इस प्रकार उन्होंने गांव गांव में, हाट बाट में मातृ नाम की शांति प्रदायिनी धारा प्रवाहित कर दी। दक्षिणेश्वर के महान साधक श्री रामकृष्ण परमहंस, रामप्रसाद और कमलाकांत के श्यामा संगीत को सुनकर तन्मय हो जाते थे। वे स्वयं भी प्राण विभोर होकर इन गीतों को गाते थे। इन गीतों से उनके हृदय में मातृ प्रेम का भाव समुद्र उमड़ने लगता था। मां भवतारिणी के सामने वे एक दिन रो रो कर कहने लगे, मां तुमने रामप्रसाद और कमलाकांत को दर्शन दिया है, मुझे क्यों नहीं दोगी। कमलाकांत का जन्म लगभग 1770 ईस्वी में बंगाल के वर्धमान जिले के अंबिका कालना गांव में हुआ था। उनके पिता महेश्वर भट्टाचार्य की आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। उनके मरने के बाद तो परिवार की चरम दुर्गति ही थी। कमलाकांत की माता महामाया देवी सब तरह से निरुपाय होकर पुत्र के साथ अपने नहर चान्ना गांव चली आई। कमलाकांत के नाना ने उनको थोड़ी जमीन दे दी, जिससे किसी प्रकार उनके परिवार का लालन पोषण होने लगा। कमलाकांत ब्राह्मण कुल के लड़के थे, अच्छी तरह शास्त्र अध्ययन नहीं करते तो चलता कैसे, किंतु आर्थिक हालात ऐसे थे कि पढ़ाई का खर्च जुटाना कठिन था। लाचारी में कमलाकांत अंबिका गांव के अपने एक यजमान के घर चले गए और वहीं से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। पाठशाला में साहित्य और व्याकरण की पढ़ाई शुरू हुई। उनकी मेधा बुद्धि थी तो असाधारण, किंतु पढ़ने लिखने में उत्साह की कमी थी। लोग उन्हें पुस्तकों का बस्ता खोलते कभी नहीं देखते, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि परीक्षा के समय सभी के सभी पाठ उन्हें पूरी तरह से याद थे। बालक की इस अद्भुत शक्ति को देखकर पंडित जन चकित विस्मित रह जाते थे। कमलाकांत का कंठ बहुत सुरीला था। रामप्रसाद के श्यामा संगीत गाने में उन्हें बहुत आनंद आता था। वे अक्सर पाठशाला से भाग जाया करते और खुले पथ प्रांतर झाड़ झंकार से भरे हुए स्थानों में भटकते रहते और श्यामा संगीत ऊंचे स्वर से गाते। उनकी सुरीली आवाज से दिशाएं गूंजने लगती। उपनयन संस्कार के बाद उनमें एक अद्भुत परिवर्तन आया। मौका पाते ही वे चान्ना गांव के विशालाक्षी मंदिर के गूढ़ एकांत में ध्यानस्थ होकर बैठ जाते और घंटों बैठे रहते। गांव के पास ही गोविंद मठ था, जिसके सेवायत थे प्रभुपाद चंद्रशेखर गोस्वामी। उच्च स्तर के साधक के रूप में उनकी अच्छी खासी ख्याति थी।
कमलाकांत अक्सर उनके पास आकर उपदेश ग्रहण करते। फलस्वरूप कमलाकांत की माता अपने पुत्र की यह गति मति देखकर चिंता में पड़ गईं। इस यौवनावस्था में ऐसा वैराग्य भाव बना रहा तो यह लड़का सांसारिक भाव कभी ग्रहण करेगा भी नहीं। अपने भाई से सलाह कर उन्होंने कमलाकांत का विवाह कर देने का निश्चय किया। पासी के लड्डुका गांव के भट्टाचार्य वंश की एक सुलक्षणा कन्या थी, उससे कमलाकांत का विवाह कर दिया। किंतु कमलाकांत की ये पत्नी अधिक दिन जीवित नहीं रही। पत्नी के असामायिक निधन ने कमलाकांत के जीवन में वैराग्य और निर्भय को जागृत कर दिया। चान्ना गांव के पास खड़गेश्वरी नदी है। इसी नदी के किनारे बालुकामय शमशान में पत्नी की मृत देह को चिताग्नि में समर्पित कर कमलाकांत खड़े थे। सारा आकाश रागमयी संध्या के गैरिक अंचल से भरा हुआ था। कमलाकांत देख रहे थे, उनकी आंखों के सामने ही उनकी प्रिय पत्नी का शरीर जलकर भस्म हो रहा है और चिताग्नि का ऊपर उठता हुआ धुआं उसे आकाश के महाविस्तार में गुम कर रहा है। ये सब देखकर कमलाकांत निराश्रय की एकमात्र आश्रय जग जननी को उद्देश्य कर ऊंचे स्वर में गाने लगे। काली, तुमने मेरी सभी समस्याओं का हल कर दिया है। बताओ तो सही, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह सब यथावत रहने भी दोगी या नहीं? जिस पर तुम्हारी कृपा होती है उसके अलौकिक अपूर्व रूप का क्या कहना। उसे अपने लज्जा निवारण के लिए कमर में एक कौपीन भी जुटती और सारे शरीर में भस्म लिपटा रहता, सिर पर रहता है जटा भार। तुम स्वयं शमशान में सुखपूर्वक रहती हो, उस सुख के सामने वैभवपूर्ण मणिकंचन खचित अट्टालिका का सुख भी तुच्छ है। मां, तुम जैसी हो कुछ वैसा ही तुम्हारा स्वामी भी है, जिसका भांग घोटना कभी छूटा नहीं। तुम जैसा चाहो वैसा ही रखो। सुख में रखना चाहती हो तो सुख में रखो, दुख में रखना चाहती हो तो दुख में ही रखो। उसमें खोट निकाल कर मैं करूंगा ही क्या, मैं तो लकीर खींच कर बैठा हूं। लेकिन क्या मैं इतना पूछ सकता हूं कि क्या मेरे भाग्य में साधना का एक बिंदु भी है या नहीं? संसार ने तो मेरा नामकरण कर दिया है कि कमलाकांत मां काली का बेटा है, लेकिन अपने बेटे के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है ये मर्म कितने लोग जानते हैं? चिताग्नि में जल डालकर कमलाकांत घर आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि वह फिर से संसार बंधन में नहीं पड़ेंगे। मां श्यामा का नाम जप करते हुए चरम वैराग्य पथ पर चलेंगे। किंतु अपनी मां के अश्रुपूर्ण मुख ने उनके सभी संकल्पों को ध्वस्त कर दिया। मां के अनुनय आग्रह पर उन्हें फिर से विवाह करना पड़ा। कन्या वर्धमान जिले के कांचनपुर गांव की थी, किंतु त्याग वैराग्य की जो धारा उनके जीवन में प्रवाहित हो रही थी वो विवाह के पश्चात और भी तीव्र हो गई। जिसके प्राणों में मुक्ति का आलोक संकेत प्रवेश कर गया था उसे क्या पारिवारिक पाश में बांध कर रखा जा सकता है? वे दाम्पत्य जीवन के आकर्षण को धकेलकर मां काली के नाम जप की उन्मादना में चारों ओर भटकने लगे। जहां कहीं मां काली की पूजा होती, जहां कहीं मां काली के सिद्ध साधक का पता चलता, वहां कमलाकांत अपना विह्वल अंतर लिए पहुंच जाते। चान्ना गांव के पास ही एक गांव था सुधड़े। वहां एक बार काली पूजा का आयोजन था। पूजा देखने कमलाकांत वहां पहुंच गए। वहां केनाराम भट्टाचार्य नामक एक तंत्र साधक उपस्थित थे। कमलाकांत ने सुना था कि केनाराम शक्तिधर कौल साधक हैं। उनका घर पास ही है जहां वे पंचमुंडी का आसन और काली की मूर्ति स्थापित कर साधना करते हैं। केनाराम की यह भी प्रसिद्धि थी कि वे श्यामा संगीत के निपुण गायक हैं। जो भी उनके भाव विह्वल कंठ स्वर का जादू भरा गान सुनता वही मोहित हो जाता। उन्हीं केनाराम महाशय के चरणों में कमलाकांत ने आत्मसमर्पण किया। दीक्षा और शाक्त अभिषेक के बाद केनाराम ने उन्हें बतलाया कि शाक्त साधना के लिए घर संसार छोड़ने की आवश्यकता नहीं।
महामाया द्वारा रचित संसार में रहते हुए कौल साधना द्वारा धीरे धीरे माया का बंधन काटना होगा। कमलाकांत नई प्रेरणा से अनुप्राणित होकर अपने गांव लौट आए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने निगूढ़ तंत्र साधना और आचार अनुष्ठान का व्रत लिया। आनंदमयी मां श्यामा की आराधना करते करते उनके अंतर में दिव्य आनंद का स्रोत फूट पड़ा और अनायास ही वे स्वर्गिक शास्त्रीय संगीत की रचना करने लगे। उनका वह संगीत दूर दूर तक फैल गया। कमलाकांत का अपना शास्त्र अध्ययन कब का समाप्त हो गया था, अब उन्होंने अध्यापन का काम शुरू किया। घर में एक छोटी सी पाठशाला खोलकर बैठ गए। इसमें छात्रों की संख्या भी कोई कम नहीं थी, किंतु पाठशाला चलाने के लिए जिस धैर्य और सांसारिक मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है वो तो कमलाकांत बहुत पहले ही खो बैठे थे। इसी तरह लगभग 8-10 वर्ष बीत गए। अब ये परिवेश उनके लिए असहनीय हो गया। अक्सर सारा दिन सारी रात वे साधन भजन में निमग्न रहते। विशालाक्षी मंदिर में उन्होंने अपने लिए एक पंचमुंडी आसन भी बनवा लिया था। उस आसन पर एक बार बैठ जाने के बाद वे मात्र ध्यान में इतने लीन हो जाते कि अपना कुछ भी होश नहीं रहता। भाव विभोर होकर वे कभी कभी पास के शमशान में चले जाते और उनकी मां मां की रटना से शमशान का निर्जन एकांत मुखरित हो उठता। ऐसी अवस्था में पाठशाला चलाना असंभव था, किंतु अध्यापन वृत्ति के चले जाने पर परिवार का लालन पोषण कैसे होता। उनके कुछ विद्यार्थियों ने, जो अब कुछ सफल हो गए थे, निश्चय किया कि उस पाठशाला को बंद नहीं होने देंगे। वे लोग कष्ट उठाकर भी भट्टाचार्य महाशय का काम चलाते रहेंगे। उन लोगों ने नए विद्यार्थियों को पढ़ाने का भार अपने ऊपर ले लिया, लेकिन कमलाकांत तो जगन्माता के दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे थे। ये व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। सुना जाता है कि एक दिन वे वीरभूम जिले स्थित तारापीठ चले गए। वहां किस्मत से एक तंत्र सिद्ध शक्तिधर साधक से उनकी भेंट हो गई। उन महात्मा द्वारा बतलाए गए निगूढ़ कौल साधना पथ पर वे क्रमशः आगे बढ़ने लगे। यहां गांव में पाठशाला में देखरेख के अभाव से उनकी प्रसिद्धि कम हो गई, छात्रों की संख्या घट गई। फलतः कमलाकांत के परिवार को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। परिवार के लिए दो समय का खाना जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इस विषय की ओर कमलाकांत का कोई ध्यान ही नहीं रहता। वे तो विशालाक्षी मंदिर और सुनसान शमशान में परम आनंद पूर्वक काल व्यतीत कर रहे थे। एक दिन उनकी पत्नी अत्यंत कठिन परिस्थिति में पड़ गई। घर में एक भी पैसा नहीं था। शिशु कन्या के लिए दूध की आवश्यकता थी और वो पूरी हो तो कैसे, ये सूझ नहीं रहा था। हताश होकर वे चुपचाप बैठी अपने दुर्भाग्य पर विचार करने लगी। इतने में किसी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बाहर एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, भट्टाचार्य महाशय क्या घर पे हैं? कृपया दरवाजा खोलिए। द्वार खोलते ही कमलाकांत की पत्नी ने देखा सामने अत्यंत सुंदर श्याम वर्णा एक किशोरी खड़ी है। उनके साथ दो सेवक हैं जिनके सिर पर खाद्य सामग्रियों से भरपूर बड़ी बड़ी टोकरियां हैं। कमलाकांत की पत्नी प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखने लगी। इस पर उस किशोरी ने कहा, मां ने आप लोगों के लिए यह सब भेजा है, ले लीजिए। इतना सारा खाने का सामान देखकर कमलाकांत की पत्नी अवाक रह गई। उनके आश्चर्य का भाव कटा भी नहीं था कि सेवकों ने दोनों टोकरियां उतार कर रख दी और चले गए। वो किशोरी भी अपनी रहस्यमयी मनमोहिनी मुस्कान की छाया छोड़ती हुई चली गई। इतनी सारी सामग्री किसने भेजी है ये भी पूछने का अवसर नहीं मिला। बेचारी कमलाकांत की पत्नी मन ही मन आकाश पाताल एक कर रही थी कि ये सब हुआ तो कैसे हुआ। यहां आधी रात को भावाविष्ट अवस्था में कमलाकांत घर आए। प्रवेश करते ही खाद्यान्न से भरपूर दोनों टोकरियों पर उनकी नजर पड़ी। वे आश्चर्यचकित हो गए। गरीब के घर में ये विस्मयकारी प्रचुरता कैसी, किसने यत्नपूर्वक इतनी सामग्री भेजी है। इस पर पत्नी ने विस्तार से उनको सब कुछ बतलाया और बोली, मैं उस किशोरी से उसका नाम पता भी नहीं पूछ सकी और न जान पाई कि किसने खाद्य सामग्री भेजकर हम लोगों की प्राण रक्षा की है। किशोरी ने सिर्फ इतना कहा कि
मां ने भेजा है। कौन है वो मां? साधक कमलाकांत के पुलकित नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वो सबकी मां हैं, संपूर्ण जगत की मां हैं। सारे संसार का पालन पोषण करने वाली जग जननी आज अपने सिंहासन से उतरकर छद्म वेश में दीन भक्त की कुटिया में आई थी। ये सब उन्हीं की लीला है। गांव के दूर छोर में जंगल के बीच में विशालाक्षी देवी का एक छोटा सा मंदिर था। कमलाकांत दिन रात वहीं समय बिताते थे। कभी तो अपने से पूर्व काल के साधक रामप्रसाद का और कभी अपना ही रचा गीत प्राणों की संपूर्ण उवेलना उढ़ेल कर गाते और मां के चरणों में अर्पित करते। मातृ पूजा में कमलाकांत की प्रगाढ़ निष्ठा थी, परंतु देवी के पूजा उपचार और भोग राग का कोई स्थायी प्रबंध वहां गांव की ओर से नहीं था। अपने घर में संपत्ति के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, फिर भी देवी की पूजा अर्चना का भार उन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर ले लिया था। जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण होता था, उसी प्रकार देवी का पूजा उपचार भी चलाते जा रहे थे। प्राचीन प्रथा के अनुसार विशालाक्षी मंदिर में रात में मछली बनाकर देवी को भोग लगाया जाता था। एक दिन वे किसी प्रकार भी भोग के लिए मछली का प्रबंध नहीं कर सके और सांझ होते ही गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए। बाहरी कार्यों का उन्हें होश भी नहीं था। गंभीर रात में जब उनका ध्यान टूटा तो मां को भोग लगाने की बात याद आई, लेकिन मछली का प्रबंध तो कर नहीं पाए। वहीं शेमल वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे बैठे अपने दुर्भाग्य पर विचार करने लगे। देवी पूजा में इस प्रकार की बाधा पड़ने से उनके मन में तीव्र वेदना हो रही थी। थक हार कर कमलाकांत मां का नाम गान करने लगे। अचानक मंदिर के पीछे के पोखर से छप छप छपाक की आवाज सुनाई दी। कमलाकांत ने आवाज लगाई, कौन कौन वहां डुबाहा जल में उतरा है? उत्तर आया, मैं बागदी जाति की स्त्री हूं, मछली मार रही हूं। अगर मछली पकड़ पाओ तो मुझे भी दे देना, मां को अभी तक भोग नहीं लगाया जा सका है। कुछ ही देर बाद वो बागदी नारी भीगे वस्त्रों में वहां आई। उसके हाथ में एक जोड़ी मांगूर मछली थी। कमलाकांत के सामने मछलियां रखकर बोली, लो बाबा, देवी को भोग लगाओ। दीपक के प्रकाश में कमलाकांत ने उस स्त्री को देखा, देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। इंद्रनील मणि जैसी कृष्ण वर्णा, अंग अंग में एक दिव्य रूप माधुर्य छलक रहा था। बड़ी बड़ी आंखें आकर्षक थीं। सोचने लगे, प्राणों को द्वंद में डालने वाली ये युवती कौन है? याद नहीं आता कि इस अंचल में इसे कभी देखा है। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो? तुम्हें पहचान नहीं पाया। इस पर वो रमणी बोली, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं तुम्हें खूब पहचानती हूं। तुम्हारा गान सुनकर मेरा मन आनंद से भर उठता है, इसीलिए तो मैं यहां बार बार दौड़ी आती हूं। इतनी रात को अकेली आई हो, तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं बाबा, मैं चिरकाल से अकेली ही आती जाती हूं। लेकिन ये सब बातें छोड़ो, ये रही मछलियां, तुम मां के भोग का प्रबंध करो, मुझे अब जाना है। इतना कहकर रमणी धीरे धीरे गहन अंधकार में विलीन हो गई। कमलाकांत भाव तन्मय देखते रह गए। कुछ देर बाद जब होश हुआ तो याद आया कि उन्होंने मछली का दाम तो दिया ही नहीं और ना तो उस स्त्री ने ही मांगा। कौन थी वो रहस्यमय नारी? अचानक उनके अंतर्मन में एक विद्युत रेखा सी चमक गई। इस गंभीर आधी रात में विशालाक्षी मंदिर के निर्जन वन में कौन युवती अकेले आएगी? मछली पकड़ने के लिए उसके मन में कौन सी ऐसी व्याकुलता थी? निश्चय ही ये स्त्री मानवी नहीं हो सकती। मानव शरीर में क्या वैसी अपार्थिव रूप ज्योति संभव है? कमलाकांत अपने को रोक नहीं सके, दौड़ पड़े मंदिर के बाहर और ऊंचे स्वर में पुकारने लगे, ओ मां, एक बार सुन जाओ, एक बार लौट आओ। निस्तब्ध गहन रात्रि के अंधकार में उनकी आवाज डूब गई। केवल उसकी प्रतिध्वनि आती रही और बीच बीच में उल्लू और बादुर की कर्कश ध्वनि सुनाई पड़ती थी।
दूसरे दिन काफी खोजबीन करने पर भी कमलाकांत को उस बागदी नारी का अता पता नहीं मालूम हुआ, किंतु उनके अंतर मन पर उस नारी का अपार्थिव नीलघन रूप काफी लंबे समय तक अंकित रह गया। उस रूप का ध्यान करते हुए कमलाकांत ने गाया, मां श्यामा के रूप में मेरा मन भुला गया है, वह अत्यंत अनुपमेय कृष्ण वर्णी है, उस निरुपम कोमल रूप को देखकर ही शायद त्रिलोचन शिव ने उसे परम यत्न पूर्वक अपने हृदय में संजो रखा है। कमलाकांत को घेर कर उनके आसपास जग जननी की छुपी हुई लीला अब इसी प्रकार से चलने लगी, मानो रहस्य के पर्दे में अपने को छिपाकर मां श्यामा अपने परम भक्त के आसपास मंडरा रही हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से पकड़ में नहीं आना चाहती। मां का दर्शन नहीं हो पा रहा है, दिव्य स्फुरण से हृदय मंदिर अभी तक आलोकित नहीं हुआ है, उसी के लिए तो कमलाकांत समस्त विषय वासना घर संसार त्याग कर मातृ मंदिर में चले आए हैं, किंतु उस कृपामयी की कृपा कहां छुपी है। उस दिन की साधन क्रियाएं समाप्त कर गंभीर रात में कमलाकांत विशालाक्षी मूर्ति के समीप आ बैठे हैं। चारों तरफ नितांत एकांत है, वे चुपचाप एकाग्र मन से लाल उड़हल की माला गूंध रहे हैं और मां की वेदी पर उसे अर्पित करते जाते हैं। साथ साथ चल रहा है संगीत के माध्यम से मां के प्रति संतान का अनुनय अभियोग मान अभिमान। मां, जानता हूं तुम पाषाण कन्या हो, मुझसे ही छिपकर मेरे अंतर में रहती हो, तुमने चारों दिशाओं में अपनी माया फैला रखी है, अनेक जीवों की तुमने सृष्टि की है और निर्गुण छाया को भी तीन गुणों से बांध रखा है, तुम किसी की दुर्मति बनती हो तो किसी की सुमति, अपने दोषों को ढककर किसी दूसरे को ही दोष देती हो। मां ये सुन लो, मैं निर्वाण की आशा नहीं करता, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे दोनों नेत्रों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहना चाहता हूं, उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखना चाहता हूं। गान रुक गया, कमलाकांत ध्यान के आनंद में विभोर थे, आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। अचानक एक आवाज आई, चुप क्यों हो गए बाबा, फिर से गाओ। चकित विस्मित कमलाकांत ने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक प्रसन्न मुख वृद्धा बैठी है। अपनी ममता भरी आंखों से कमलाकांत के सर्वांग को सहलाती हुई बोली, तुम्हारा ये गीत बड़ा ही मधुर है, मुझे कुछ और सुनाओ ना बेटा। कौन है ये बूढ़ी, चेहरे से तो जानी पहचानी नहीं लगती, गंभीर रात के अंधकार में कहां से आई हैं। मां, मैं तो तुम्हें गान सुनाता हूं, किंतु उसके पहले ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। ये क्या, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तुम लोगों के धर्म नारायण की मां हूं। ओह, इससे पहले तो मैंने तुम्हें देखा नहीं, कमलाकांत ने कहा। धर्म नारायण उसी गांव का ग्वाला है, वो हर दिन विशालाक्षी मंदिर में दूध खीर भेंट चढ़ाने आता है, ये वृद्धा उसी की मां है, ये जानकर कमलाकांत प्रसन्न हुए। मन के आनंद में वे एक के बाद एक श्यामा संगीत उन्हें सुनाने लगे। कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि वो वृद्धा अचानक उठकर चली गई। अगले दिन सवेरे धर्मनारायण दूध देने विशालाक्षी मंदिर में आया। कमलाकांत ने उससे पूछा, क्यों रे धर्मनारायण, कल तुम कहां थे, तुम्हारी मां मंदिर में आई थी, मन प्राण से मैंने उन्हें कितने ही गीत गा गा कर सुनाए। मां आई थी, ये क्या कहते हो ठाकुर, मेरी मां तो बहुत पहले ही मर गई है, उस समय मैं बहुत छोटा था, दूसरों के घर में ही रहकर बड़ा हुआ हूं, अब तो विशालाक्षी देवी ही मेरी मां है, उनके सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। धर्म नारायण की बात सुनकर कमलाकांत के हृदय में एक उन्मादक भाव तरंग उद्भासित हो उठी। वे समझ गए कि कल रात स्वयं जग जननी आई थी, छद्म वेश में उनका गान सुनकर गईं। मां से बिछुड़ने की तीव्र वेदना क्रंदन बनकर फूट पड़ी
मां मां पुकारते हुए वे बेहोश हो गए। ये ऐसा समय था जब कमलाकांत अपने चरम दुख में जीवन यापन कर रहे थे, परंतु सांसारिक विषयों की ओर उनकी दृष्टि बिल्कुल नहीं थी। वे तो मात्र ध्यान में ही लीन रहते थे। उनके परिवार की ऐसी अवस्था देखकर एक प्रिय शिष्य अत्यंत दुखी हो उठा। वो अंबिका गांव का रहने वाला था। चान्ना से ये गांव नहीं तो नहीं करीब 12 मील दूर था। शिष्य अनेक प्रकार से अनुनय विनय कर कमलाकांत को परिवार सहित अपने घर ले आया और उन लोगों का सारा सांसारिक भार अपने ऊपर ले लिया। नतीजा ये हुआ कि कमलाकांत पारिवारिक चिंता से मुक्त हो गए, किंतु अपने गांव चान्ना में स्थित साधन पीठ और विशालाक्षी मंदिर को छोड़कर वे भला किस प्रकार रह सकते थे। मन जल्दी ही उचाट हो गया। इस पर दुर्भाग्यवश अंबिका गांव में जाने के कुछ ही दिन बाद उनकी मां का देहांत हो गया। उसके बाद तो कमलाकांत अंबिका गांव में नहीं रुके, विशालाक्षी देवी की शरण में अपने गांव चान्ना वापस लौट आए। इसके बाद शुरू हुई उनकी और भी कठिन तपश्चर्या। शक्ति साधना की निगूढ़ क्रियाएं और अनुष्ठान आदि एक पर एक संपन्न करने लगे। अंत में एक दिन जगत जननी की कृपा का द्वार कपाट खुल गया और उन्हें तंत्र साधना की चरम सिद्धि की उपलब्धि हुई। इस बार साधक कमलाकांत का जीवन रूपी घड़ा मात्र नाम के रसामृत से भर गया। मातृ कृपा के ऐश्वर्य से संपन्न साधक का मन आनंद से गाने लगा। रे मन, तू कंगाल क्यों है? तू घर बैठे काली के नाम का सुधा रस पान किया कर। ये भवसागर उन्हीं की माया है, कितने उसमें डूब गए, कितने उसमें डूबते उतरते हैं और कितने उसमें डूबते जा रहे हैं। अरे मन, तुम आनंद धाम में रहो और हंसते हंसते वहां का रंग देखो। कमलाकांत की साधना और सिद्धि लाभ की कहानी और मातृ संगीत रचना में उनकी पारदर्शिता की कथा अब चारों ओर फैल गई। वर्धमान के महाराजा के कानों में भी कमलाकांत की साधना और सिद्धि लाभ की ख्याति पहुंची। महाराज तेजचंद्र ने बड़े आदर से उन्हें अपनी राजधानी में बुलाया और श्रद्धापूर्वक उनसे गुरु दीक्षा ली। इसके बाद वर्धमान शहर के निकट कोटालहाट में उनके लिए एक रहने की जगह बनवा दी। उनकी श्यामा विग्रह की सेवा पूजा के लिए पर्याप्त महीने का खर्चा और उसका समय भी निश्चित कर दिया। कमलाकांत के व्यक्तित्व और साधना का असाधारण प्रभाव था। युवराज प्रताप चांद ने भी कुछ दिनों के बाद उनसे दीक्षा ली। वे मुमुक्षु कमलाकांत के आश्रय में रहकर तंत्र साधना के पथ पर आगे बढ़ने लगे। कोटालहाट स्थित कमलाकांत की श्यामा मूर्ति महाजागृत देवी रूप में प्रसिद्ध हो गई। देश देशांतर से अनेक पुण्यार्थी स्त्री पुरुषों की भीड़ वहां आने लगी। वे लोग कभी साधन पीठ पर तो कभी दामोदर नदी के तटवर्ती काठगोला के शमशान घाट पर शक्ति साधन की क्रियाएं अनुष्ठित करते। एक बार की बात है, अमावस्या की रात थी, घोर अंधकार चारों ओर व्याप्त था, ऊपर से जोर से वर्षा हो रही थी। इस गंभीर रात में मातृ साधक कमलाकांत काली मंदिर में भावाविष्ट बैठे हुए थे। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि देवी पूजा का लग्न बीता जा रहा है। प्राकृतिक दुर्योग के बीच में उनके मानस पटल पर जगन माता का एक भयावह प्रलयंकर रूप प्रकाशित हो रहा था। ध्यानावेश के कटने पर मां के रुद्राणी रूप का स्तवन गान करने लगे। कराल वंदना घोरा मुक्त केशी चतुर्भुजाम कालिका दक्षिणाम देव्याम मुंडमाला विभूषिताम। विष्णु कर्मकार कमलाकांत का अनुगत भक्त था। मंदिर के देखरेख का काम वो परम निष्ठापूर्वक करता था। उसने देखा कि ठाकुर कमलाकांत अपनी उद्दीपना में भाव प्रमत्त हो रहे हैं और इधर पूजा का लग्न समाप्त होने में अब ज्यादा देर नहीं है। मंदिर में घुसकर उसने निवेदन किया, ठाकुर आप सुस्थ होकर पूजा पर बैठ जाएं, पूजा का लग्न बीता जा रहा है।
कमलाकांत बोले, अरे ये देखो, आज मेरी माँ का दनुज विनाशिनी रूप प्रस्फुटित हो रहा है। आज तो पूजा में भैंसे की बलि देनी होगी। ये क्या कह रहे हैं ठाकुर, इस घोर अमावस की रात में इतनी तेज बारिश के बीच में मुझे भैंसा कहां मिलेगा? पहले कहा होता तो कोई प्रबंध किया जाता। अरे माँ का रुद्राणी रूप देखते नहीं, मैंने समझ लिया कि आज भैंसे की बलि के सिवा अन्य किसी प्रकार से उनकी अर्चना नहीं हो सकती। तुम भय ना करो, माँ अपनी पूजा के निमित्त जिस किसी उपचार की आवश्यकता होती है स्वयं प्रबंध कर लेती हैं। तू केवल एक बार खोज करके देख। बेचारे विष्णु कर्मकार को आधी रात में निकलना पड़ा। गांव की राह पकड़कर कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा कि आंधी पानी में भीगते हुए कुछ लोग मंदिर की ओर आ रहे हैं और उनके साथ डोरी से बंधा हुआ एक बृहदाकार भैंसा है और देवी पूजा के लिए बहुत सी द्रव्यादि भी हैं। मंदिर के परिचारक के रूप में विष्णु कर्मकार इस प्रदेश में जाना पहचाना व्यक्ति था। आने वाले लोग उसे देखकर आनंदित हो गए। ये जानकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही कि मातृ पूजा अभी शुरू नहीं हुई है। उन लोगों के मुनीम की मनौती थी कि कमलाकांत के जागृत देवी विग्रह के आगे इस भैंसे की बलि देकर वे षोडशोपचार पूजा करेंगे। मौसम खराब होने के कारण उन्हें आने में देर हो गई, किंतु विष्णु कर्मकार तो अवाक रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि कमलाकांत के संकल्पित पूजा उपचार का इस अप्रत्याशित रूप से प्रबंध हो जाएगा। खैर, अब उसके सिर से दुश्चिंता का बोझ उतर गया। पूजा पूरे समारोह से संपन्न हुई। रात के शेष प्रहर में कमलाकांत अपने ध्यानासन से उठे और ऊंचे स्वर से सद्य रचित मातृ संगीत गाने लगे। मां, आज तेरी जिह्वा लाल क्यों है? श्वासन पर विवस्त्र क्यों बैठी हो? मां, शिव के हृदय में तुम क्या कर रही हो? कपड़े फटे छिटे हैं, केश राशि गलित है। ये कैसा रूप तुमने धारण किया है? तुम्हारे पदचाप से पृथ्वी कांप रही है। गले में नरमुंडों और कटे हाथों की माला है, यही क्या तेरे आभूषण है? हे मेरी स्वर्णमणि, किस कारण से तुम निर्वस्त्र हो? मणि मंदिर को छोड़कर क्यों शमशान में उन्मत्त पगलिनी की तरह भटक रही हो? क्षण क्षण में तुम्हारी हुंकार का भार पृथ्वी के लिए असहनीय हो रहा है। दिग्गज कूर्म कच्छप और शेष नाग कांप रहे हैं। हे ब्रह्ममय, कमलाकांत की विनती है कि तुम जरा धीरे धीरे ही नाचो, शिव भी भय कंपित हो रहे हैं। वर्धमान के महाराजा तेजचंद्र ने कमलाकांत को गुरु रूप में वरण किया था। उसके बाद इस शक्तिधर साधक का आचार्य रूप में जीवन शुरू हुआ। लाभ उत्सुक भक्त दल के दल उनके चरणों में आने लगे। उन लोगों की साधना में कमलाकांत तंत्राचार और योग मार्ग दोनों का समावेश करने लगे। उनकी इस साधन प्रक्रिया का कुछ परिचय उनकी रचित पुस्तक साधक रंजन में मिलता है। कमलाकांत एक ही साथ साधक, कवि और लोक कल्याणकामी महापुरुष थे। उनकी संगीत रचना में उनसे पहले के साधक, पूर्ववर्ती साधक रामप्रसाद का कुछ प्रभाव अवश्य दिख पड़ता है। रामप्रसाद के भावमय संगीत ने अनेक प्रकार से उन्हें अनुप्राणित किया था। कमलाकांत की पुस्तक साधक रंजन के भाव और भाषा ने बंगाल के सहस्रों लोगों को अनुप्रेरित किया है। सुललित भाषा और मनोहर छंदों में थोड़े में ही तंत्र साधना के सभी गूढ़ तत्वों को दूसरे किसी ने इतने सहज रूप से नहीं समझाया है। साधक रंजन पुस्तक के अलावा भी कमलाकांत के रचित अनेक पद मिले हैं, जिनमें श्यामा संगीत, समर संगीत, आगमनी, विजया, शिव संगीत और कृष्ण संगीत जैसे नाना प्रकार की हृदय स्पर्शी सार्थक रचनाएं हैं। कमलाकांत के शिष्य वर्धमान के राजकुमार प्रताप चांद के अंतर में भी मुक्ति की तीव्र पिपासा जाग पड़ी थी। कमलाकांत से मातृ मंत्र की दीक्षा पाकर वे तंत्र की निगूढ़ क्रियाएं निष्ठापूर्वक संपन्न किया करते थे। गुरु के प्रति उनकी असीम भक्ति थी। वे अक्सर उनके पास ही रहा करते और साधन उपदेश ग्रहण करते।
एक बार अमावस्या की रात में कमलाकांत ने प्रताप चांद को पूर्णाभिषिक्त किया और पंचमुंडी आसन पर बैठाकर तंत्र की निगूढ़ क्रियाएं भी कराई। राजकुमार सिद्धिलाभ के लिए व्याकुल हो उठा। वो अक्सर शमशान में ही रहता था और कारणवारी यानी सुरा का पान करता। ये बात जल्दी ही महाराज तेजचंद्र के कानों में पहुंची। वे काफी नाराज हुए और अचानक एक दिन दल समेत कोटाल हाट पहुंचे। काली मंदिर के पास पहुंचते ही उनकी कमलाकांत से भेंट हो गई। कमलाकांत शमशान से लौट रहे थे, कारणवारी के सेवन से उदीप्त थे, आंखें फूल की तरह लाल थीं, हाथ में सुरापात्र भी था। डगमगाते डगमगाते मंदिर की ओर गाते हुए आ रहे थे। जैसा उनका मधुर स्वर था वैसा ही मुखमंडल पर प्रकाशित भावावेश था। महाराजा तेजचंद्र मंत्र मुग्ध होकर इस महासाधक को देखते रहे। अचानक जब होश आया और ध्यान आया कि कमलाकांत से ही बातें करने तो वो कोटाल हाट दौड़ आए हैं, तो गंभीर स्वर में महाराज ने पूछा, ठाकुर आप यहां ये सब क्या कांड कर रहे हैं? मैंने अपने पुत्र प्रताप को आपके हाथ में सौंप दिया था। आशा थी कि आपसे शिक्षित होकर वो वास्तव में आदमी बनेगा, लेकिन ये क्या देख रहा हूं कि यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। आपके साथ साथ रहते वो घोर शराबी हो गया है। उसके संबंध में जो बातें मैंने सुनने में आई हैं वे सब सच हैं, ये समझने के लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा। इस पर कमलाकांत ने हंसते हंसते कहा, महाराज किस आधार पर आप ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे उसका सबसे बड़ा प्रमाण तो ठाकुर आपके हाथ में शराब का यह घड़ा ही है। मैं यहां खड़ा खड़ा शराब की गंध पा रहा हूं। महाराज किसने आपसे कह दिया कि इस घड़े में शराब है? इसमें तो शुद्ध दूध है। महाराज तेजचंद्र नाराज होकर आगे बढ़ने लगे। उनके कर्मचारी और अंगरक्षक दोनों को कौतूहल हुआ, ये क्या? आगे बढ़कर जब देखा तो ये क्या, कमलाकांत के हाथ के उस बड़े से घड़े में शराब नहीं, सचमुच में दूध भरा है। शराब की जो गंध सब लोग पा रहे थे वो भी गायब थी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा अलौकिक कांड है? लेकिन इसका तो पता लगाकर ही महाराज छोड़ेंगे। उन्होंने कहा, ठाकुर यदि ये दूध है तो इससे मक्खन भी तैयार किया जा सकता है। हम लोग आज ही इसकी परीक्षा करके देखेंगे। कमलाकांत ने हांडी उन लोगों को दे दी। बाद में उस दूध से मक्खन निकाला गया और मक्खन को गलाकर घी भी तैयार किया गया। उस घी से साधक कमलाकांत ने मंदिर में होम संपन्न किया। तत्पश्चात आसन से उठकर वे महाराज से बोले, महाराज अब तो आपका संदेह मिटाना कि हांडी में शराब नहीं दूध था। महाराजा तेजचंद्र ने माना कि आज उनके कल्याण के लिए, उनमें विश्वास भाव जगाने के लिए ही उनके गुरु ने अपनी अलौकिक विभूति को प्रकाशित किया है। उन्हें खेद भी हुआ कि गुरु पर अविश्वास करके उन्होंने ठीक नहीं किया। युवराज प्रताप चांद को लेकर अब महाराज को अधिक दिनों तक चिंता नहीं करनी पड़ी। इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद वैरागी युवराज घर त्याग कर न मालूम कहां चले गए। अब तक सिद्ध कौल साधक कमलाकांत की प्रसिद्धि बंगाल के बाहर भी फैल गई थी। काशी में एक बार एक बड़े समारोह में काली पूजा का आयोजन था। आयोजकों की बड़ी इच्छा थी कि कमलाकांत के द्वारा ही मातृ पूजा का अनुष्ठान हो। उधर कमलाकांत की भी एक बार काशी जाने की बहुत दिनों से इच्छा थी। उन्होंने अन्नपूर्णा और विश्वनाथ का अब तक दर्शन नहीं किया था, इसलिए काशी का निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया। मध्य रात्रि में कमलाकांत मां श्यामा की पूजा पर बैठे थे। पूजन के समय बीच बीच में कारणवारी का पान और मातृ नाम का जप चल रहा था। ये सब देखकर लोग उत्तेजित हो गए। ये कैसा अनाचार है, देवी की अर्चना पूजा पर बैठकर सुरापान? आयोजकों ने उत्तेजित लोगों को बहुत समझाया कि कमलाकांत सिद्ध पुरुष हैं, वे भावावेश में अपनी इच्छा अनुसार मां की पूजा करते हैं, वे पूजा की पुरानी निर्धारित पद्धति बहुत कुछ नहीं मानते। किंतु वे लोग ये बात क्यों मानने लगे? कुछ लोगों ने व्यंग पूर्वक कहा, बहुत से लोग वामाचार का नाम लेकर इस तरह पूजा करते हैं।
किंतु मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कितने लोग कर पाते हैं। कमलाकांत यदि मिट्टी की मूर्ति को सचमुच प्राण प्रतिष्ठा करके जागृत कर सकें, तब हम लोग मानेंगे कि हाँ इनमें सामर्थ्य है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ठाकुर सुरापान और नशा तो खूब हुआ, किंतु इस मिट्टी की मूर्ति में आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे या नहीं? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इस रंग ढंग की क्या सार्थकता है? कमलाकांत की आंखें क्षण भर में प्रदीप्त हो उठी। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, क्या सचमुच देखना चाहते हो कि मूर्ति जीवंत हुई या नहीं? तो देखो। इतना कहकर उन्होंने सामने पड़ा बलिदान वाला खड़ग उठा लिया और प्रतिमा के हाथ पर उसे बैठा दिया। माटी की उस मूर्ति के हाथ से जहां तलवार का घाव था, झरझर रक्त की धारा बहने लगी। भय विस्मय से विमूढ़ आलोचक गण कमलाकांत के चरणों में गिर पड़े। कोटालहाट लौट आए। अंतर्मुख होकर वे धीरे धीरे आत्मसत्ता में डूबने लगे। उस समय की उनकी मानसिक स्थिति का परिचय इस गीत में मिलता है। रे मन किसी अन्य के घर मत जा, तू अपने आप को ही देख, अपने अंतःपुर में ही जो कुछ खोजोगे मिल जाएगा। तीर्थ यात्रा केवल दुखपूर्ण भ्रमण है, लेकिन तू चाट क्यों होता है मेरे मन? तू मूलाधार की आनंद त्रिवेणी में स्नान कर शीतल क्यों नहीं हो जाता? अनेक वर्ष इस प्रकार बीत गए। साधक कमलाकांत अब बहुत बूढ़े हो गए थे। प्रिय शिष्य प्रताप चंद नहीं रहा। उत्तर साधिका परम प्रिय दूसरी पत्नी भी चल बसी थी। गृहस्थ जीवन के नाम पर एकमात्र उनकी कन्या थी। इस पतली डोर को लेकर अब कितने दिन रहेंगे? अंततः एक दिन कमलाकांत के जाने की पुकार आई। शिष्य महाराज तेजचंद्र अपने गुरु को देखने आए। देखकर समझ गए कि इनकी यह लीला समाप्त प्राय है। वे अत्यंत व्यस्त हो गए कि अंतिम समय में गुरुदेव को गंगा तट पर ले जाना चाहिए, किंतु कमलाकांत इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। बार बार आग्रह करने पर अस्फुट स्वर से अपने द्वारा रचित एक पद गाने लगे। किस लिए मैं गंगा तीर जाऊंगा, काली माँ की संतान मैं क्यों विमाता की शरण में जाऊं। तेजचंद्र प्राचीन प्रथा और धर्म संस्कृति के आग्रही थे। वे बड़ी दुश्चिंता में पड़ गए। वे गुरुदेव के गंगा तट पर ले जाने की सभी व्यवस्था कर चुके थे, किंतु कमलाकांत को किसी प्रकार भी राजी नहीं कर पाए थे। कमलाकांत ने महाराज को समझाया, महाराज मन का संताप दूर कीजिए, मैं यहां ही मां के मंदिर के सामने प्राण छोड़ना चाहता हूं, आप कल दोपहर को एक बार आइए। दूसरे दिन कमलाकांत के घर पर बहुत से बंधु बांधव और अन्य लोगों के साथ महाराज तेजचंद्र उपस्थित हुए। साधक कमलाकांत सुबह से ही दिव्य भाव में विभोर थे। उन्होंने वहां उपस्थित मंडली से कहा, मेरे लिए तिनके की शैया बिछा दो। उसी तृण शैया पर लोगों ने उन्हें सुला दिया। कमलाकांत के मुखमंडल पर अलौकिक आभा छिटक रही थी। कंठ स्वर क्षीण हो गया था, फिर भी अपनी इष्ट देवी के उद्देश्य से आनंद पूर्वक धीरे धीरे गाने लगे। माँ श्यामा के रूप में मेरी आंखें डूब गई हैं, उसका अनुपम रूप कितना कोमल काला है, उस सुचिक्कण काले अनुपममेय रूप को देखकर त्रिलोचन शिव ने उसे अपने हृदय में रख लिया है। जग जननी के उस नील मेघ वर्णी रूप का ध्यान करते करते मात्र साधक कमलाकांत ने सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उपस्थित जनता ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उस तृणशैया के नीचे पृथ्वी तल को फोड़कर भगवती की पवित्र जलधारा फूट पड़ी। उस अलौकिक जलधारा को देखकर साधक कमलाकांत को अंतिम समय में गंगा तट नहीं ले जाने का खेद
महाराज तेजचंद्र के मन से मिट गया।